फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से ये तीन कलर से एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी सा डोरमेट बताऊंगी, जिसके लिए हमने 9 नंबर सिलाई ली हुई है और 3 कलर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं, तो मैं आपको भूल में बता रही हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हमने बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 3 फंदे डालेंगे और इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, थाल पोज की जगह या आसन, पूजा आसन की तरह या टेबल मैट की जगह। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे डाले हुए हैं। ये 3 फंदे डाल के मैं एक सिलाई इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए, पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई 3 फंदे डाल के इसी तरह से बनाई है। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फंदा सिलाई पे चढ़ाते हुए दोनों तरफ से फंदा बढ़ाएंगे इसमें। ये देखिए धागे को इस तरह से पकड़ा और सिलाई पे चढ़ाया और फंदे को हमने दोनों तरफ से इसी तरह से बढ़ाते हुए जाना है। दोनों कलर हम इसमें लगाते जाएंगे, ग्रीन और मैरून। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ यानी कि 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ग्रीन कलर जब हमने लगाना है तो यहाँ पे फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, इसी तरह से हमने ग्रीन कलर को लगा दिया है। दो दो सिलाइयाँ हम ग्रीन कलर की बनाएंगे, दो दो मेहरूम कलर की। तो यहाँ पे मैंने उल्टी तरफ से फंदा नहीं बढ़ाया, ग्रीन कलर को लगा दिया है। इसके बाद ये देखिए अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई पे फंदा बढ़ा लेंगे। जब हमने कलर चेंज करना है तो फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से, तो मैंने सिलाई पे चढ़ाते हुए फंदा बढ़ा लिया है। ये देखिए, तो उल्टी सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा बनाएंगे। दोनों तरफ से मैं फंदा बढ़ाते हुए जाऊंगी इसमें। ये देखिए ये देखिए इस तरह से सिलाई पे चढ़ाया और दोनों साइड से फंदा बढ़ाया। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। इसके बाद हमने इसको इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए आप, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने कलर को चेंज करना है तो आपने फंदा बढ़ाना है तो फंदा भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए कलर चेंज करते हुए भी आप फंदा इसमें बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करूँगी, 2-2 सिलाइयाँ। ये देखिए, तो हम यहाँ पे 2-2 सिलाइयाँ बना के इसको कंप्लीट करते हैं 3 फंदों तक। 3 फंदों के बाद हमने इसको बंद कर देना है उसी तरह से। और आपको मैं फिर दिखाऊंगी, तो इसको हम बना लेते हैं। चारों तरफ पत्ती बनाने के लिए इस कलर की ऊन लूँगी और यहाँ पे कोई भी कलर से फंदे हम डालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसी तरह से 16 फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो मैं यहाँ पे 16 फंदे डालती हूँ।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं और एक सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान है ये। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं और एक सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान है ये। यहाँ पे एक सिलाई हम बना लिए हैं और उल्टी सिलाई को भी बना के कंप्लीट करते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे छोड़ दिए हैं दो दो करके, यानी कि 16 फंदे। और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमने इधर बढ़ा लिए हैं। इसके बाद हम यहीं से इसमें, और आप अपनी पसंद का आप कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैं मैरून कलर लगा रही हूँ आठ फंदों में। ये देखिए तो यहाँ पे मेहरूम कलर को लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हम आठ फंदे देखिए किस तरह से हम कम करेंगे। तो यहाँ पे हम दो फंदे एक साथ ले रहे हैं, एक फंदा हमने कम किया, आगे के फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए इसके बाद पीछे धागा करके जो फंदे हमने छोड़े हुए हैं उनको हम दो फंदों को इस सिलाई पर डालेंगे और पीछे की तरफ से, ये देखिए उल्टी तरफ से हम इनको इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए आठ फंदे इधर घटाएंगे और ये जो फंदे हमने छोड़े हुए हैं उनको सबको हम बनाएंगे इसी तरह से, और तीन पत्तियां हम इसमें बना के कंप्लीट करेंगे। ये बहुत आसान है। ये देखिए दो फंदे एक साथ लिए तो यहाँ पे दो फंदे घट चुके हैं, और ये देखिए दो दो करके यहाँ पे हमने चार फंदे, ये देखिए पीछे धागा कर लिए। मैंने यहाँ पे इसी तरह से सभी फंदे ले लिए और तीन पत्तियाँ बना के कंप्लीट की हैं। ये देखिए और यहाँ पे सभी फंदे ये घटा दिए हैं। बिल्कुल आसान है ये। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने इस तरह की ये चार पत्तियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए एक दो तीन चार, चार पत्तियाँ मैंने बना ली हैं। इसके बाद हम अब ये देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे।
देखिए ये मैंने चारों पत्तियां इस तरह से रखनी है, ये देखिए किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। चारों पत्तियां हमने इस तरह से रखनी है, ये देखिए, और हम सभी पत्तियों को उल्टा रखेंगे और इनकी चारों तरफ से एक ही धागे से सिलाई कर लेंगे और आपको हम ये देखिए फिर दिखाएंगे। देखिए ये मैंने चारों पत्तियां इस तरह से रखनी है, ये देखिए किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। चारों पत्तियां हमने इस तरह से रखनी है, ये देखिए, और हम सभी पत्तियों को उल्टा रखेंगे और इनकी चारों तरफ से एक ही धागे से सिलाई कर लेंगे और आपको हम ये देखिए फिर दिखाएंगे। यहाँ पे डोरमेट बन के कम्प्लीट है और इसके चारों तरफ आप कोई भी कलर की पत्तियाँ लगा सकते हैं, बीच में अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं। ये देखिए, और बहुत आसान तरीके से ये बन के कम्प्लीट हो जाता है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और बीच में आप जो भी आपको कलर पसंद है आप उस तरह का पॉम पॉम्स लगा लें इस तरह से, तो देखिए काफ़ी सुंदर डोरमेट लग रहा है और बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।